एक चीज़ जो वालिद साहब जिसके बारे में बहुत जो बहुत ज़रूरी समझते थे वो यही थी कि सच बोलना चाहिए चाहे जो मर्जी आए हो। आज की तकरीब का आगाज़ जिस चीज़ से हुआ मैं सच से कहना चाहता हूँ, APML से हुआ, वो उनकी कामयाबी नहीं है और उसका जिक्र हमें नहीं करना चाहिए था। मीडिया को आज़ाद करना या अपने कल्चर को अपनी तहजीब को तवज्जो देना, ये उस पर काफ़ी बिलीव करते हैं। एक चीज़ जो वालिद साहब जिसके बारे में बहुत जो बहुत ज़रूरी समझते थे वो यही थी कि सच बोलना चाहिए चाहे जो मर्ज़ी आए हो। मुझे याद है मैंने एक दफ़ा बगैर पूछे गाड़ी निकाल ली थी और जाके मैंने दीवार में मार दी, लेकिन मुझे पता था कि मैं जाके अगर उनसे कह दूंगा कि मैंने क्या किया है तो कुछ भी नहीं होगा, और तो ऐसा ही हुआ। तो एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि जहाँ कई चीज़ों में हमने मईशत की बात की, जहाँ इतनी चीज़ों में कामयाबी की, तो एक चीज़ जो मुझे कहना चाहिए कि आज की तकरीब का आगाज़ जिस चीज़ से हुआ मैं सच से कहना चाहता हूँ, APML से हुआ, वो उनकी कामयाबी नहीं है और उसका जिक्र हमें नहीं करना चाहिए था। एनीवेज, एक ये मैं कहना चाहूँगा। दूसरी बात यह है कि अब दूसरा जो ये यहाँ पे लिखा है कारगिल के हीरो को सलाम, तो उनकी शख्सियत में जो तब्दीली आई इक्तदार संभालने के बाद, एक आर्मी चीफ के बाद एक मुल्क को चलाने। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। कि जो जिम्मेदारी उन पर पड़ी और जिस तरह उन्होंने वो संभाला, वो एक एक माने खेज पीरियड था उनके लिए, जिसमें उन्होंने, अब जैसे आपको ये तो सारी पब्लिक स्फीयर में बातें हैं कि जिस तरह वो काठमांडू में कॉन्फ्रेंस हुई थी और वाजपेयी साहब से जाके उन्होंने मुसाफा किया था, उन्होंने मुझे खुद बताया था वो किस्सा, उन्होंने जहन में सोचा था कि किस तरह वाजपेयी साहब, वो कुर्सियाँ इतनी भारी थी शायद वो उठे ही ना, तो उन्होंने सोचा था कि कैसे मैं तकरीर पढ़ के सामने से आऊँगा और मैं हाथ बढ़ाऊँगा ताकि कोई जवाज़ ही ना रहे हाथ मिलाए बगैर। तो इस किस्म की चीज़ें वो सोचते थे, और फिर उनको इस बात का बहुत अंदाज़ा हो गया था कि रियासत यह है जो वो खाली मईशत पे और दिफा पे नहीं चलती, उसकी एक माशरे की एक सॉफ्ट पावर भी होती है। तो ये मीडिया को आज़ाद करना या अपने कल्चर को अपनी तहजीब को तवज्जो देना, ये उस पर काफ़ी बिलीव करते थे। मैं लंबी बांधना चाहता आज के, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से, बहन की तरफ से, फैमिली की तरफ से, शुक्रिया।